नमो नमो बच्चों, संस्कृत की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। ये क्लास कक्षा 10 के लिए है और कक्षा 10 का पाठ 2 जो कि बुद्धिर बलवती सदा, इस नाम से ये पाठ है। तो सबसे पहले पाठ का नाम जो है उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि बुद्धिर बुद्धि ही, हमारे पास शब्द ये है बुद्धि ही, दूसरा है बलवती, ठीक है, और तीसरा है सदा। तो बलवती में कौन सा प्रत्यय? कत्वतु, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो कत्वतु प्रत्यय से बलवती बना बुद्धि ही सदा, यानी कि बुद्धि सदा बलवान होती है, ठीक है, बुद्धि सदा बलवान होती है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है, हाथ पैर है, तो फिर कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, फिर वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। इसलिए बुद्धि सदा बलवान होती है, ये उक्ति फेमस है। इस उक्ति पर ये पूरा पाठ लिखा गया है और इससे रिलेटेड कहानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कहानी बताने से पहले मैं 4-5 बातें क्लियर कर देता हूँ कि इसमें बुद्धि के बल से परिचित होंगे हम कि बुद्धि का कितना इंपोर्टेंस होता है इन आवर लाइफ। उसके बाद बुद्धि की शक्ति को विकसित करना, ठीक है, बुद्धि की शक्ति अपने आप विकसित होगी अगर आप यूज करोगे बुद्धि का। उसके बाद बौद्धिक बल से खराब विपत्तियों में भी आप निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शारीरिक बल की कमी होने पर भी अगर आपके पास बौद्धिक बल है तो फिर आप कहीं भी किसी भी स्टेज पर किसी भी मंच पर हार के नहीं आओगे, हमेशा जीत के आओगे अगर बौद्धिक बल है तो। शारीरिक बल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में बात है कि वाक्पटुता से जीवन को सफल बना सकते हैं आप, ठीक है। बुद्धि से आप, जैसी आपकी बुद्धि चलेगी वैसी आपकी वाणी चलेगी, और जैसी आपकी वाणी चलेगी तो आपका जीवन वैसे वैसे सफल होता जाएगा। तो अच्छी वाणी का हम प्रयोग कर सकते हैं अच्छी बुद्धि से। तो ये तो 5 बातें थी हमें सीखने वाली। अब हम सीधा कहानी में एंट्री करते हैं, और कहानी शुरू कहां से होती है कि एक देउल नाम का एक गांव होता है, ठीक है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, देउल नाम का एक गांव होता है, ठीक है, ये गांव का नाम है, देउल नाम का एक गांव होता है, और वहां पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता है, ठीक है, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता है, ठीक है। एकदा केन अपि आवश्यक कारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृ गृहं प्रतिचलिता। अब एक बार किसी आवश्यक कार्य के कारण राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती थी, ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख देते हैं राज सिंह की पत्नी का नाम हो गया साहब आपके बुद्धिमती, ठीक है। तो बुद्धिमती नाम की उसकी भारिया थी राज सिंह की, वो किसी काम से अपने पिताजी के घर के लिए रवाना हो जाती है, पिताजी के घर जाने के लिए रवाना हो जाती है और चली जाती है, मार्ग पर चल रही है, ठीक है। मार्गे कहना कारण ने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, ठीक है, मार्ग में घना जंगल था, ठीक है, और घना जंगल होने के कारण उसने रास्ते में एक व्याघ्र देखा। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, ठीक है, बाघ देखा उसने, ठीक है। फिर सा व्याघ्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्ट्याद् पुत्रो चपेलया प्रहत्य जगाद। जगाद माने कहा, कथम एकक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः। देखो यहां पर एक छोटी सी समझदारी वाली बात है, बुद्धिमती जो थी वो वास्तव में ही बुद्धिमती थी, ठीक है ना। देखो बुद्धिमान जो होता है वो पुरुष के लिए आता है, एक चीज ध्यान रखना, हम शब्द पढ़ते हैं बुद्धिमान, अगर कोई आदमी अगर बुद्धिमान है तो उसको हम बुद्धिमान बोलेंगे, लेकिन अगर स्त्री के लिए हमें प्रयोग करना है तो वो बुद्धिमती होगा। अगर आप कहते हो बुद्धिमान लड़की है, गलत है ना, बुद्धिमती लड़की है, ये आपका वाक्य राइट होगा। हम कहते हैं ना सुंदर लड़की जा रही है, अरे सुंदर लड़की कभी नहीं होती है यार, लड़की तो सुंदरी होती है, उसको हम सुंदरी बोलते हैं, उसके सामने हमें सुंदरी लगाना अनिवार्य है, अगर हमने सुंदर लगा दिया तो गलत है। सुंदर तो लड़का होता है, सुंदरी बालिका गच्छति, सुंदरी बालिका जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी, मैंने आपको बता दी, अब ध्यान से सुनिए। तो बुद्धिमती के पास वास्तव में
थी, तो वो क्या कर रही थी कि रास्ते से पिताजी के घर जा रही थी, तो उसने एक अचानक से बाघ देखा। अब बाघ देखा तो ऑब्वियसली बाघ देखेंगे, अब हम रास्ते में जा रहे हैं बाघ देखेंगे तो हम डर जाएंगे कि हमें खा जाएगा। तो बुद्धिमती ने क्या किया, बुद्धिमती ने जब वो बाघ देखा तो उसके साथ में दो पुत्र चल रहे थे, तो उनको क्या करा उसने, एक एक उनके गाल पे लगा दिया, अपने दोनों बेटों के एक एक गाल पे उसके खींचने खींच के लगा दिया। फिर क्या कहा कि तुम बेटा एक बाघ को खाने के लिए, एक बाघ को मारने के लिए तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आगे क्या कह रहा है, अयम एकम स्तताविद भुज्यताम पश्चात अन्नयोः द्वितीयः कश्चित् 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 भुज्यताम कश्चित् क्या लिखा हुआ लक्ष्यते। ठीक है ना, कश्चित् लक्ष्यते। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें सबसे बड़ा देखो यहां पर बहुत अच्छी चीज है समझने वाली कि बुद्धिमती में कितनी बुद्धि थी। अब बुद्धिमती उस बाघ से बचने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही है और अपने दोनों पुत्रों के एक एक गाल पे लगा दिया उसने, और गाल पे लगाने के बाद ये बोला कि तुम एक बाघ को खाने के लिए दो क्यों लड़ रहे हो, अरे तुम दोनों पहले इसको एक को ही मार लो और एक को ही ढंग से बना के खा लो, उसके बाद हम दूसरे बाघ की तलाश में जाएंगे, उसके बाद हम दूसरे बाघ को ढूंढेंगे। ये बात पूरी की पूरी बुद्धिमती ने कह दी। ठीक है, अब ये बात बुद्धिमती ने कह दी तो आप आगे देखो आगे क्या हुआ। ठीक है भाई, तो इसके बाद इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्या व्याघ्रो भया आकुलो चित्तः नष्टः। अब देखो ये सुनकर के, यह सुनकर के कि कोई बाघ मारने वाली है, अब बाघ ने क्या समझा कि ये कोई जरूर बाघ मारने वाली है, तभी ये इसके बेटों को गाल पे लगा रही है और मेरे को उनको दोनों को सुना के बोल रही है कि तुम जाओ इसको अकेले कोई मार लो आराम से खा लो। तो बाघ तो बेचारा डर गया। ठीक है ना, बाघ ये सोच रहा है ये सुनकर कि ये कोई बाघ मारने वाली है, ऐसा समझकर वह बाघ से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। ठीक है, भयाकुलो नष्ट वहां से रवाना हो गया वो बाघ सुनकर के, वो वहां से भाग जाता है। फिर लिखा निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी फिर अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। यानी यह सुनकर, यानी कि वह बाघ जो था वो स्त्री अपनी बुद्धि से छूट गई, वो बुद्धिमती उस बुद्धि से, उस बुद्धि को लगा करके वो बाघ के डर से वहां से छूट गई। अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके महान भय से छूट जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा भय हो। अब ना तो उसको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ी, है ना, बुद्धिमती को ना कोई तलवार लाके लड़ना पड़ा, ना लकड़ी से लड़ा, ना किसी से लड़ा, ना बंदूक चलाई, कुछ नहीं चलाया, और सीधा सा वो बाघ से वहां से डर गई, बाघ से उसने छुटकारा पा लिया। तो इसलिए ये बुद्धिमती की बात बड़ी सत्य है कि बुद्धि होना जरूरी है। उसके बाद क्या कहा, डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई सियार हंसते हुए वहां से वो चला जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः, धूर्तः मतलब मूर्ख, और श्रगाल मतलब सियार, जिसको आप JACKL जेकाल जिसको बोलते हो, ठीक है ना, वो सियार कहलाता है। ठीक है, तो वो जो सियार था उसको, वो मूर्ख था, धूर्त मतलब मूर्ख। ठीक है, तो धूर्त श्रगाल है, तो ये क्या कह रहा है कि धूर्त श्रगाल हसन्ना। अब जब वो बाघ वहां से भागा, वापस भागा, तो वो रास्ते में जा रहा था तो उसको एक श्रगाल मिला और श्रगाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है ना, भगवान कुतः भयात पताइतः पलायितः। अरे भगवान आप कहां से भागते हुए आ रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? वो ऐसा उसको पूछता है, सियार बाघ को पूछ रहा है कि भाई तू इतना डरता हुआ कहां से भागा हुआ आ रहा है यार। ठीक है ना, तो व्याघ्र बोलता है गच्छ जंबू का, अरे जाओ जंबू, तुम भी किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाकर किसी छिप मतलब सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप जाओ। ठीक है, यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते
तया अहम हंतुम आरब्धः। अरे जो हमने व्याघ्र वाली शास्त्रों में सुनी थी, बाघ को मारने वाली शास्त्रों में सुनी थी, वो साक्षात में देख के आया हूँ, वो बात मारी यही है और वो हम दोनों को मार देगी, इसलिए तुम भी कहीं जाके छुप जाओ और मैं भी कहीं जाके छुप जाता हूँ। फिर आगे क्या कहा, नष्टः शीघ्रं तदर्गतः, हमारा सबका धीरे धीरे नाश हो जाएगा, इसलिए चलो। श्रृगाल बोलता है, व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम् यना यत मया अनुद अपि विवेशी। वो कह रहा है कि बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात कही है, तुम मनुष्यों से भी डरते हो, ठीक है। तो फिर बाघ क्या बोल रहा है, व्याघ्र बोलता है, प्रत्यक्षम एव मया सात्वम पुत्रो एकता मामुतम मामुतम चपेटया प्रहरन्ति दुष्टा। अरे उसने मेरे सामने दोनों बच्चों के गाल पे एक 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 वो चपेटी का उन्होंने लगाई और बोला कि इसको खाने के लिए तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो आपस में, इसको तो एक को खा लो, उसके बाद दूसरे की व्यवस्था करेंगे। ऐसा समझकर उसके साथ बड़ा ही वो हुआ और वो वहां से भागकर आ गया। ऐसी ये सारी स्टोरी जो है वो बाघ को सुना देता है, ठीक है ना भाई। ये बाघ को स्टोरी सुनाने के बाद आगे क्या होता है, अब देखिएगा, जब वो सियार उसकी सारी कहानी सुन लेता है, उसके बाद देखो आप, है ना, अब कहानी में मजा तो अब है, ध्यान से सुने। तो जम्बुक, जम्बुक मतलब सियार, सियार क्या बोलता है, स्वामीन यत्रा अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यानी कि जहां वो धूर्त बुद्धिमती है वहां आप मुझे लेकर चलिए, ठीक है ना, वहां उस धूर्त औरत के बाद वहां मुझे जाना चाहिए। फिर क्या होता है, व्याघ्रम तव स्थाने गतस्य गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदि तरहि त्वा त्वया अहम् हन्यतव्य इति, तव्य प्रत्यय है इसमें, हन्यतव्य इति, यानी कि वो कह रहा है कि जहां वो बाघमारी है वहां पर हम दोनों चलते हैं, उसके सामने हम दोनों उपस्थित होंगे, उसके सामने तो मुझे भी लेकर चलो, यदि वो तुम्हें मारेगी तो मुझे भी मारेगी, तो हम दोनों वहां पर चलते हैं, देखते हैं उसको क्या करना है। तो वो वहां पर चले जाते हैं। व्याघ्र बोलता है, श्रगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। अरे तुम मुझे तो अभी तो तू कह रहा है कि चलो चलो उधर, और कल को तुम मुझे वहां से छोड़कर भाग गया तो मुक्त्वा यासि, तुम मुझे वहां से छोड़कर चले गए तो फिर क्या होगा, बड़े ये तो संदिग्धता वाली बात हो जाएगी, है ना। फिर सियार बोलता है, यदि एवं तरही तो माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। अरे अगर ऐसी ही बात है, सियार कह रहा है कि बाघ, अगर ऐसी ही बात है तो तू मुझे अपने गले में बांध ले, तू मुझे तेरे गले में लटका ले, फिर मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगा, समझ रहा है। तो इसलिए तू मुझे अपने गले में बांध ले, डरता क्यों है, मुझे भी डरा रहा है, खुद भी डर रहा है, गले में बांध और चल, मैं तेरे गले में बन जाता हूँ। निज गले, निज गले मतलब खुद के गले में बन जाता है। तो वो बांध कर वहां से ले जाता है। सह व्याघ्रम तवा कृता कृत्वा काननम वयो, और वो दोनों के दोनों जंगल में चले जाते हैं। श्रगालेन सहितम पुनरायातम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमति चिंतितवती। अब श्रगाल के साथ में बाघ आता है तो व्याघ्रमारी जो है वो वहां पर सोच रही है ना, पुनरायांतम यानी वापस वो आ रहा है, तो बुद्धिमति समझ गई कि ये किसी न किसी प्लानिंग के साथ में आए होंगे दोनों के दोनों रंगे बिल्ले, है ना। तो देखो, जम्बूक कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम मुच्यताम, यानी जम्बूक ने, सियार ने जरूर इसको उत्साहित किया होगा, और उत्साहित करने के बाद ये दोनों के दोनों मेरे पास आ गए। परम प्रत्युत्पन्न मति, लेकिन बुद्धिमती जो थी, देखो बुद्धिमती की मति, मैं कह रहा हूं बुद्धिमती की मति, अरे मति जो है ये तो मति लगाओ, लेकिन मति मतलब ये वाला बुद्धि, ठीक है ना। तो बुद्धिमती की बुद्धि जो थी वो क्या हुआ, वापस से एकदम से उसका बुद्धि काम करना शुरू किया, बुद्धिमती की साथ जम्बुकम क्षिपम अन्य अंगुल्याम तर्जयेत वाच। बुद्धिमती ने अपनी उंगली बाघ की तरफ करके, सियार की तरफ करके बोला, क्या बोला, वाच, लास्ट में लिख रखा है वाच, वाच बने बोला, उसकी तरफ उंगली करके बोला, किसने, बुद्धिमती ने उन दोनों की तरफ उंगली करके बोला, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। अरे धूर्तों, उसने ऐसे उंगली करी और उंगली करके बोला कि अरे धूर्त, तुम मुझे पहले तो तीन तीन बाघ लाकर दिया,
किया करते थे, है ना, विश्वास्य एकाम आनियम कथम या असी, कथम या असी वदा वद अधुना, अब तुम ये मतलब विश्वास के साथ तुम मुझे तीन तीन बाघ लाके देते थे, तुम तीन तीन जानवर मुझे लाके देते थे, लेकिन अब तुम अधुना अधुना अभी मतलब कम कैसे लाए हो। उसके बाद इत्युक्त्वा धावित्वा तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, यह सुन करके, यानी कि अब इत्युक्त्वा ये सारी बात हो रही है, इसके बाद यह सिया द्वारा जो बात हो जाती है इसमें, तूने मुझे पहले तीन बाघ दिए, आज विश्वास दिलाकर तू एक ही लेकर आया है, अब बता। ऐसा कहकर वह भय से उत्पन्न करने वाली बाघ मारने वाली जल्दी से गई तो गले में बंधा हुआ जो देखो व्याघ्रो सहसा नष्ट है, व्याघ्र जो है वो अचानक से वहां से भाग जाता है वापस से, क्योंकि उसको पता पड़ गया कि ये तो फिर से बोल रही है कि तू पहले मेरे को तीन दिन लाके देता था, आज मेरे को एक ही, इसको एक को ही गले में लटका के लाया है, दूसरा कहां गया। तो बड़ी चिंतित हो गई सब, गलबद्धः शृगालकः, तो व्याघ्र के गले में जो सियार बंधा हुआ था वो सोच रहा है यार ये बेटा मेरे को गले में लटका के लेके आ गया, इसका मतलब ये मेरे को उधर बलि का बकरा बनाएगा, तो वो सबसे पहले भाग जाता है, उसके गले से छूट के सबसे पहले वो वहां से चला जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमति व्याघ्र जात भयात् पुनरपि मुक्ता है भवत्। और जब वो श्रृगाल वहां से भाग जाता है उसके गले से, तो बाघ भी उसके बाद वापस भाग जाता है। तो इस प्रकार से एवं प्रकार है, इस प्रकार से बुद्धिमति जो है वो व्याघ्र के भय से, बाघ के भय से भयात पुनरपि मुक्ता है भवत्, वापस से वो मुक्त हो जाती है। अतः एव उच्यते, और इसीलिए कहा भी गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कहा भी गया है कि बुद्धिर बलवती सदा, यानी कि बुद्धि ही सदा बलवान होती है, और सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी कि सारे के सारे कार्य जो है वो सही हो जाते हैं। अगर आपकी बुद्धि ठिकाने हैं तो आप दुनिया के सारे कार्य सही करोगे, और अगर आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है तो फिर सारे कार्य सही की जगह क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सारे कार्य गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सीधा सीधा कहानी हमारे पास ये थी कि व्याघ्रमारी ने सबसे पहले बुद्धि का उपयोग किया और उसको कहा कि तू दोनों पुत्रों को कहा कि इसको खा लो तुम दोनों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बाद में देखेंगे, वो भाग जाता है। फिर वो श्रृगाल को लेके आता है तो श्रृगाल के लिए बुद्धिमती बोलती है, अरे तू हमेशा तीन लेके आके देता था मेरे को, अब तू एक ही कैसे लेके आया। तो श्रृगाल डर जाता है, ये तो मेरे को मरवाने के लिए इधर लेके आया है, तो वो श्रृगाल सबसे पहले वहां से भाग जाता है। उसके बाद श्रृगाल भाग गया, श्रृगाल के उत्साह से तो बाघ भी आया था उधर उचक उचक करता हुआ, तो बाघ भी वापस से भाग जाता है। तो ऐसे करके बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से दोनों बार जीत हासिल करी, दोनों बार वो विजयी हुई, और व्याघ्र के भय से वो विजय हो गए, ठीक है ना। तो आप अपनी बुद्धि का सही जगह उपयोग कीजिए, ऐसी मेरी कामना है आपसे, ठीक है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप इसको पाठ को वापस पढ़िएगा एक बार, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें पाठ के अंदर देखो ये जो है नीचे ये शब्द अर्थ भी दे रखे हैं, ठीक है ना, इसके नीचे व्याकरण का पार्ट भी दे रखा है, ठीक है, और समास के उदाहरण भी दे रखे हैं। तो आप इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, समास हमें यहीं से ही पूछे जाएंगे परीक्षा में कक्षा 10 के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पार्ट के पीछे जितने भी समास के उदाहरण दे रखे हैं, संधि के उदाहरण दे रखे हैं, प्रत्यय के उदाहरण दे रखे हैं, वो हमें पढ़ने अनिवार्य है, यहीं से ही आता है, क्योंकि बोर्ड का पेपर हमेशा आपकी टेक्स्ट बुक से बनता है, समझ रहे हो आप, टेक्स्ट बुक से आपका पेपर बनेगा। ये रचना अनुवाद वो अमित डूबोदर में दिए कोई ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक केवल आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वही ऑथेंटिक है, वहीं से ही पेपर बनेगा। तो चाहे व्याकरण का भाग हो चाहे फिर टेक्स्ट बुक का भाग हो, आपको पढ़ना वहीं से ही है, आपको सारे उदाहरण वहीं से ही करने, ठीक है। तो ये मेरी बात यहाँ पर समाप्त हो गई, आशा करता हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा, फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः।